इंद्रासन पाने का भी कोई भाव नहीं है, ना पुनर्भवम। मैं बार बार मनुष्य बनकर यहाँ के भोगों में अपना जीवन बिताऊं, ये भी मेरी कामना का विषय नहीं है। कामये दुख तप्ता नाम, यदि कोई कामना है तो जो दुख से तप रहे हैं, जो वेदना से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थनाशनम, ऐसे प्राणियों के उस कष्ट को, उस वेदना को, उस संताप को, उस परिताप को दूर करने में मेरा ये तन, मेरा ये मन और मेरा ये धन काम आ जाए, इसी कामना के साथ इन सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी आगे की शुभकामना तथा मेरी बात इन पर लग जाए कि इनमें से एक एक बच्चा इस युग निर्माण योजना के विचार, संकल्प और इस महान आहुति के लिए, महान यज्ञ की संविधा के रूप में बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना प्राण पर निछावर कर दे, इसी शुभ भावना के साथ मुझे इस परिवार ने बड़े ही भाव से बुलाया। मैं उन सब के प्रति भी अनुग्रहित हूँ, कृतज्ञ हूँ और उनको साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे जन जन के आत्मा में उपस्थित उस परम स्वरूप भगवान सविता को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। गायत्री माता, ये है संस्कृत की निर्माता, भारतीय संस्कृत की निर्माता यही गुरु हम भूल गए, है ना। आज जितनी भी समस्याएं दुनिया में देखने को मिलती हैं, वो सब उसका कारण सिर्फ एक ही है, सद्बुद्धि की कमी। और सद्बुद्धि कहाँ मिलती है? गायत्री माता के पास। गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है और उसी से सद्बुद्धि मिलती है। और उसी को हम बुला दें, अब उसको हम बुला दें तो फिर बताइए कि आज कहीं नहीं। तो आइए गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र कामधेनु है, गायत्री मंत्र कामधेनु है, जो जाएंगे मिलता है। गायत्री मंत्र कर्मपीठ है, उसके नीचे बैठ के अच्छी कल्पनाएँ करने से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तारस भी है और अमृत भी है।
तरीके से चारों विशेषण गायत्री मंत्र समाप्त होते हैं। उसी को हम लोग कहते बताएं क्या हम आई गायत्री मंत्र बोलते हैं हमारे साथ सब यहाँ आप लोग आते रहे। यह आज का धर्म
आने का वो कारण न बने, आगे भी भविष्य में आ पाके वह जो पोस्ट में जुड़ के गुरुदेव के नाम पर हमें बुलाते रहे। धन्यवाद। मेरा नाम रवीन सिंह है, मैं जिला समन्वय दिवा गायत्री परिवार में हूँ। ये जो आज कार्यक्रम हुआ तो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का वर्ष 2023-24 का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। इसमें रीवा जिले के 12,899 छात्रों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय संस्कृति है ये हम बच्चों में कैसे ले जाएं, और क्योंकि आज की स्थिति जो है बच्चे इससे दूर हो रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसमें बच्चों का जिसे चारित्रिक मानसिक विकास हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये विद्यालय स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक योजना संचालित की जा रही है। 220 बच्चों को आज पुरस्कार दिया गया है, जिसमें प्रथम को 750 रुपये, द्वितीय को 500 रुपये और तृतीय को 350 रुपये दिया जाता है। ये योजना प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इसमें विद्यालय स्तर से फार्म भरवाए जाते हैं, विद्यालय में जाके हमारे परिजन जाते हैं और फार्म भरवाते हैं उनके प्राचार्य और प्रधानाचार्य से मिल करके, और उसके बाद उनमें 40 रुपये फीस है उसकी प्रति व्यक्ति, तो उनको हम साहित्य देते हैं और प्रश्न पत्र देते हैं, और जो प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चे आते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है।